महानगर पालिका के सामने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से भूख हड़ताल का एक यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। ये भूख हड़ताल इसलिए की जा रही है कि शहर के अंदर कई बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिसको प्रशासन और सत्ताधारी पक्ष पूरी तरह से विफल हो चुका है, फेल हो चुका है इसको हल करने में। इसलिए आज सत्ताधारियों को ये बताने के लिए कि आप पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, इसलिए या तो सत्ता से आप हट जाइए या प्रशासन के पूरा हवाले कीजिए। हमको आज ये मसले जो हो गए गंभीर हो चुके हैं इसको हल करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। आपने देखा होगा कि शहर के अंदर जगह जगह कचरे के अंबार लग चुके हैं और वो कचरे के अंबार आज से नहीं लगे हैं, ये कई महीनों से जारी है, लेकिन इनके पास आज स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा देने के बाद भी ये उसमें से खर्च तो कर रहे हैं। आज हमारी मालूम के हिसाब से इन्होंने 15 से 20 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं, लेकिन आज भी मसला जैसा का वैसा ही है। तो ये 15 से 20 करोड़ किसके जेब में गए, सबसे पहले तो हम ये सवाल करते हैं। और ये कचरे के अंबार की वजह से आज लोगों की जान जाने का खतरा औरंगाबाद शहर में मंडरा रहा है, तो क्या प्रशासन और सत्ताधारी इस बात के इंतजार कर रहे हैं कि किसी की जान जाए और यहाँ पे महामारी फैले और लोगों की जाने जाए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर दफ्तर में से हटाया जाए और लोगों की जान से ना खेला जाए। इस मांग को लेकर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के हमारे नेते इम्तियाज जलील साहब और गफ्फार खादरी साहब की नेतृत्व के अंदर यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं। गुजर गया आपने आज तक कचरे के मसले को हल नहीं किया है, ये इस बात का सबूत है कि कॉर्पोरेशन इस काम में पूरी तरह नाकाम हो चुका है। और कचरे की वजह आज सबसे बुरा हाल अगर कही गए तो सेंट्रल लाइन के ऊपर जोन 3 का है कि आपने शहर के बीच में कचरे को गोला कर लिया, आपने शहर के बीच में रिहायश गए के बीच में कचरे को इकट्ठा कर लिया, 13 वाट 14 वाट का कचरा एक जगह जमा कर लिया, कई मेट्रिक टन कचरा वहां पर जमा है और बारिश आने के बाद आज उस कचरे में से हवा फूट चुकी है। जो 3 महीने पहले से हम बात बता रहे थे वो बात आज अमल में आ चुकी है। तो लिहाजा मैं तो ये चाहूंगा कि जिम्मेदारों के ऊपर सबसे पहले FIR और गुनाह दाखिल करना चाहिए इनके ऊपर। दलित आणि मुस्लिम असा आहे त्या ठिकाणी मात्र यांना पाणी पुरवठा करता येत नाही। आम्हाला तर वाटतं की जाणून बुजून या ठिकाणी आमचा आमदार आहे, मध्यवर्ती आमचे नगरसेवक आहे, म्हणून या भागातील दलित आणि मुस्लिमांना त्रास द्यायचा आणि MIMची ताकद करण्याचा प्रश्न या महापौरांचा आणि प्रशासनाचा आहे। परंतु आम्ही यांना सांगू इच्छितो की तुम्ही आमच्या विरोधामध्ये जाण्याचं काम करू नका।